प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा स्वस्थ रहे, वो अच्छे वजन का पैदा हो, हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा हेल्दी रहे। माएँ तो प्रेगनेंसी में वेट गेन करना नहीं चाहती हैं, वो अपना फिगर मेंटेन करना चाहती है, लेकिन हर कपल ये चाहता है कि उनका बच्चा हेल्दी हो, मोटा ताज़ा हो, अच्छे वज़न का हो। तो प्रेगनेंसी में ऐसा क्या करें जिससे बच्चा स्वस्थ पैदा हो, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, उसका वज़न अच्छा रहेगा। प्रेगनेंसी में ये सोचना कि माँ का जितना वज़न बढ़ेगा बच्चा भी उतना हेल्दी होगा, उतना मोटा होगा, ये एक मिथ है, एक गलत धारणा है। अक्सर ये देखा गया है कि वो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लेती हैं उनके बच्चे बल्कि कमज़ोर पैदा होते हैं, और कई बार दुबली पतली महिलाएं भी अच्छे वज़न का 3-3.5 किलो या कई बार 4 किलो के बच्चे को भी पैदा कर देती हैं। तो ऐसे ही वो कौन सी बातें हैं जिनके ध्यान में रखते हुए जिनको आप प्रेगनेंसी में बच्चे का वज़न बढ़ा सकते हैं, आज इसी के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ है कि प्रेगनेंसी में आप क्या खाते हैं। 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप अगर खाते हैं तो बच्चा हेल्दी होगा, और 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप अवॉइड करते हैं तो भी आप बच्चे के वज़न को, बच्चे की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको खाना है। पहली, ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे, इन्हें हम बोलते हैं पावर पैक। ये पावर से भरी हुई चीज़ें हैं, ईजिली मिल जाती हैं, और थोड़ा सा ही अगर आप खाते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, DHA मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ताकत मिलती है, और इसके अंदर हेल्दी फैट भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, आप भी हेल्दी रहो, तो डेली आपको 6-8 बादाम, 6-8 किशमिश, लगभग 2 अखरोट, 1-2 अंजीर और 1-2 खजूर, इन्हें आप भिगोइए और डेली सुबह इनका इस्तेमाल करिए। अखरोट और खजूर को अगर आप दिन में या शाम में इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी की चीज़ों को आप रात भर भिगोते हैं और सुबह अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर आप खाते हैं तो ये आपको एनर्जी देता है, प्रोटीन भी देगा, फाइबर्स, DHA, एंटीऑक्सीडेंट, सब कुछ आपको इसके अंदर में मिलेगा। और एक और खासियत जो है, खासकर शुरुआती दिनों में प्रेगनेंसी के, जब शुरू के 3-4 महीने हो रखे होते हैं, आपको बहुत मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जी मितलाता है, उल्टी आती है, कुछ भी खाया नहीं जाता है, तो ऐसे में अगर सुबह उठते ही बिना ब्रश किए आप ये रात के भिगे हुए बादाम, किशमिश और अंजीर चबा चबा करके खाते हैं तो ये आपको भी एनर्जी देता है और आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस, जो जी मितलाना है, उसको भी कम करेगा। दूसरी चीज़ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी मौसम के फल या वेजिटेबल है, डेली आपको 2-3 फलों का या सलाद का इस्तेमाल करना है। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो रहते हैं उनमें पानी अच्छा रहता है, उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इसमें लाइकोपीन्स होते हैं, ये सब आपके मूड को अच्छा रखते हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसों को भी फैला करके रखते हैं ताकि बच्चों को जो खून की सप्लाई है गर्भ में पलते हुए शिशु को, वो अच्छे से हो। तो अगर आप डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ इसके अंदर में रफेज बहुत ज़्यादा होता है, रफेज की अगर आप मात्रा अच्छी रखते हैं प्रेगनेंसी में तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से कब्जी की शिकायत रहती है, आप इससे भी बच सकते हैं। अगर आपका पेट स्वस्थ है, आपको कब्ज नहीं है, लूज मोशन नहीं है, इट मींस जो आपके पेट के अंदर में जो माइक्रोबियल हेल्थ है वो अच्छी है, और रिसर्चेज ने ये प्रूव किया है कि अगर आपकी गट की हेल्थ अच्छी है तो आप जो न्यूट्रिशन है जो खा रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होगा, और अगर आपके खून में वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो रहा है तो आपके बच्चे को भी जाएगा। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है तो बच्चे में खून की कमी होने की संभावना, उसमें प्रोटीन की कमी होने की संभावना, विटामिन की कमी होने की संभावना आप में भी कम रहेगी, बच्चे में भी कम रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना या आपको शुगर होने की संभावना, ये सब चीज़ें जो हैं नेगेटिवली बच्चे के वेट और उसके हेल्थ पे असर कर सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी गट हेल्थ को मेंटेन करके रखें, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपके डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बराबर से हों। 3rd, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, मोटा अनाज और साबुत दालें। अगर आप मोटा अनाज लेते हैं या साबुत दालें लेते हैं तो आप अनाज के सारे पोषक तत्वों को सहेज करके रखते हैं, नहीं तो दालों को दलने से काफ़ी हद तक उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, वो पचाने में इजी नहीं होता है। मोटा अनाज जो होता है उसको
पचाना भले ही थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन उसमें प्रोटीन अच्छा रहता है, उसमें रफेज की मात्रा अच्छी रहती है। तो आप मोटा अनाज और रेगुलरली होल पल्सेस यानी कि साबुत दालों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, खासकर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो राजमा, चना, सोयाबीन, मटर, बीन्स, ये सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन आपकी डाइट में अच्छा रहेगा। तो मेक श्योर कि आप डेली जो है बहुत बड़ी फुल बाउल जो है इन सब चीज़ों के इस्तेमाल करेंगे और डेली अंकुरित अनाज जो है वो आप लेंगे, उससे आपको विटामिन्स भी मिलते हैं और अंकुरित होने से जो भी अनाज रहता है उसका पोषक तत्व बढ़ जाता है, आपके अंदर भी एक जीव पनप रहा है। तो अगर आप वैसे अनाज का सेवन करते हैं जो अंकुरित है, जिसके अंदर लाइफ आ चुकी है, तो वो आपको एक अलग तरीके की एनर्जी देगा। तो डेली आप नाश्ते में या स्नैक्स के टाइम पे एक बाउल स्प्राउट्स का इस्तेमाल करिए और अपनी मील्स में रेगुलरली होल ग्रेन्स, मोटा अनाज या होल पल्सेस का इस्तेमाल करिए। फोर्थ, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दही, दूध, दूध से बनी चीज़ें, पनीर, योगर्ट, आइसक्रीम्स, थोड़ा थोड़ा ये भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत होता है, इसके अंदर में प्रोटीन अच्छा रहता है, ये आपको एक फील गुड फैक्टर भी देता है क्योंकि इसमें वाटर लेवल अच्छा होता है। और अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, दही क्योंकि फर्मेंटेड होता है तो एक तरीके का प्रीबायोटिक भी है, अगेन ये आपके अंदर में जो बैक्टीरियाज हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी अच्छा रहता है। आपके अंदर पनपने वाले फ्रेंडली बैक्टीरियाज जो रहते हैं अगर वो अच्छे रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये बात फैक्ट है कि हमारी बॉडी में शायद उतने सेल्स नहीं हैं जितने फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं और इनकी हेल्थ डायरेक्टली हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है। तो कर्ड खाने से आप अपनी गट हेल्थ, अपने माइक्रोबियल हेल्थ को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। फिफ्थ, जो आपको फैक्टर अपने डाइट में ध्यान देने का है वो है पानी। आपको पानी की मात्रा अपने शरीर में अच्छी रखनी है। अक्सर शुरुआती के दिनों में जब हमारे को उल्टी बहुत हो रही होती है तो हम पानी पीने से कतराते हैं, या प्रेगनेंसी के आखिरी के दिनों में जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो पानी कम पिया जाता है। लेकिन आप ध्यान करते हुए थोड़े थोड़े अंतराल में भले ही थोड़ा थोड़ा करके दिन में कम से कम 6-8 ग्लास पानी, और अगर गर्मी का सीज़न है या आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको पसीना ज़्यादा आता है तो आपको अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके बच्चे का भी पोषण अच्छा नहीं रहेगा। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना वाटर इनटेक, वो भले ही आप नॉर्मल पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, फ्रूट जूसेस पीजिए, वेजिटेबल जूसेस पीजिए, लेकिन अपना हाइड्रेशन लेवल आपको मेंटेन करके रखना है। ये तो वो बातें थी जो करनी ज़रूरी है आपकी डाइट में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी डाइट में अवॉइड करनी ज़रूरी है। पहला, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, इससे बच करके रहिए। टी कॉफ़ी का इस्तेमाल दिन में आप 1 या 2 कप अगर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप टी कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे की हेल्थ पे नेगेटिव असर डालता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जिसकी वजह से बच्चे को खून की सप्लाई कम हो सकती है, बच्चे का वेट कम रह सकता है, IUGR हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो टी कॉफ़ी के इनटेक को आपको लिमिटेड रखना है। थर्ड चीज़ जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करनी है वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। जहाँ तक हो सके आपको इन सब चीज़ों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरीके की दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे की ग्रोथ को कम करने के लिए। तो आपको अल्कोहल, कॉफ़ी, इनसे दूरी बना करके चलनी है। ओवर ईटिंग, प्रेगनेंसी में आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है। ऐसा सोचना कि आप अगर ज़्यादा खाएंगी आपका वज़न बढ़ेगा तो डायरेक्टली बच्चे का भी वज़न बढ़ जाएगा, ये मिथ है। तो किसी भी तरीके की ओवर ईटिंग नहीं करनी है। हेल्दी खाने का मतलब ज़्यादा खाना नहीं होता है बल्कि बैलेंस्ड खाना होता है। सो प्लीज़ ओवर ईटिंग को अवॉइड करिए। और लास्ट, जो कि अक्सर आपको घर में सुनने को मिलेगा कि प्लीज़ घी खाओ, बटर खाओ, दाल में ऊपर से डाल करके खाओ, दूध में डाल करके घी पियो, इससे बच्चा मोटा होगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, प्लीज़ ये सब चीज़ों से अपनी दूरी बना करके रहिए। जितना फैट आपको अपनी डाइट में चाहिए, अगर आपकी प्रोपोर्शन साइज़ ठीक है कि आप होल ग्रेन्स खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो उसमें उतना नेचुरल फैट होता है, ऊपर से आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती। और कुकिंग में भी हम कहीं ना कहीं घी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऊपर से या दूध में घी डाल करके पीना ये सिर्फ आपका वज़न बढ़ाएगा, इससे बच्चे के वज़न पे कोई पॉजिटिव नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो ये पांचवी चीज़ है जो आपको अपनी डाइट में अवॉइड करनी है।
डाइट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है आप अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दें। तो 5 पॉजिटिव चेंजेस अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में लाते हैं तो बच्चे का वेट, बच्चे की हेल्थ अच्छी रह सकती है। पहला, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। प्रेगनेंसी में ये कहा जाता है कि आप रेस्ट करिए, रेस्ट करना है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। आप डेली अगर एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का वॉक करना आपको कंपलसरी है, अनटिल और अनलेस आपके डॉक्टर्स ने आपको मना किया है। दूसरा, योगा एंड मेडिटेशन। जितनी ज़रूरत आपके फिजिकल हेल्थ की है, उतनी ज़रूरत है आपके मेंटल हेल्थ की। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसके द्वारा आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, और प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस के चलते जो आप में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब आता है, मेडिटेशन के ज़रिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप मेंटली हेल्दी रहेंगे तो आपका बच्चे का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। थर्ड, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम। ये बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए और अंदर पनपने वाले शिशु के हेल्थ के लिए भी, क्योंकि अगर आप प्राणायाम सही तरीके से करते हैं तो आप अपने अंदर अपने ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे हैं, और बच्चे को जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड से मिल रहा है, पोषक तत्व आपके ब्लड से मिल रहे हैं। तो अगर आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहेगा, आपकी सांसें कंट्रोल रहेंगी, थमी हुई रहेंगी, और आपका सांसों पे जो नियंत्रण है वो अच्छा रहेगा, तो आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये सब चीज़ें बच्चे को फिजिकली भी फिट रखती है, मेंटली फिट रखती हैं, और आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेंगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाने का है वो है गुड लिटरेचर पढ़िए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छी बातों को सुनिए, टेंशन से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। 5वां, आपको सोना है। अपनी लाइफ को आप 3-8 में बांट सकते हैं। 8 घंटा आप अपना काम करिए, 8 घंटा आपको अपने खाने पीने, एक्सरसाइजेज, अपने हॉबीज इसमें निकालना है, और जो बाकी के बचे हुए 8 घंटे हैं उसमें आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। तो अगर ये रूल ऑफ 8 से आप अपनी दिनचर्या को बांध करके चलते हैं तो प्रेगनेंसी में जो आपका एक लाइफस्टाइल है बहुत डिसिप्लिन और हेल्दी रहेगा, इससे आप अपने बच्चे की हेल्थ को बना सकते हैं। थर्ड एंड फोरमोस्ट फैक्टर कि जिसको आपको ध्यान में रखना है बच्चे की हेल्थ को बनाने के लिए, वो है आपके प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स और इन्वेस्टिगेशंस। मेक श्योर कि आप अपनी हर विजिट, जो कि गायनेक विजिट है, टाइम टू टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो बच्चे की ग्रोथ को असेस करने के लिए पर्टिकुलर टाइम पे किए जाते हैं। तो जब जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट बुला रही हैं आपको, जब जब वो कोई टेस्ट करने के लिए बोल रही हैं, स्कैन्स करने के लिए बोल रही हैं, आप उसे टाइम पे करिए। अपने इन्वेस्टिगेशंस टाइमली कराइए। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसे होते हैं जिसे करके हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रेगनेंसीज ऐसी है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज़्यादा है, डायबिटिक होने का खतरा ज़्यादा है, प्री मेच्योर डिलीवरी होने का रिस्क ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं तो बच्चे की हेल्थ, वेट, ये सब मेंटेन करके रख सकते हैं। पहले से हम कुछ सप्लीमेंट्स दे देते हैं तो इन सब चीज़ों के नेगेटिव असर को कम कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाए तो अगर आप रेगुलर चेकअप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हम टाइमली पकड़ सकते हैं ताकि इनका नुकसान कम से कम रहे। तो मेक श्योर कि आप अपनी सारी विजिट्स टाइम पे दें, अपने सब टेस्ट टाइम पे कराएं, एंड इन द लास्ट जो भी मेडिसिंस, जो सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर ने दिए हैं, आप उनका रेगुलर सेवन करें, और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में करना बच्चे की सेहत के लिए खराब हो सकता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, लाइक करें।